प्यारे विद्यार्थियों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है ये, और इस वीडियो की डिमांड है कि हम धारा प्रवाह हिंदी कैसे पढ़ें बिना किसी भी अशुद्धि के, ठीक। और इसका एक तरीका है धारा प्रवाह हिंदी बोलने का, हमको अशुद्धियों पर भी ध्यान देना पड़ेगा। बेहतर होगा कि हम शुद्ध हिंदी और बिना रुके पढ़ें। इसके कुछ मैं आपको नियम बताती हूँ। जैसे ये प्रेमचंद्र बोलते हैं, कई लोग इसको आम भाषा में प्रेमचंद्र बोलते हैं इनको, और ये प्रेमचंद्र नहीं है, ये प्रेमचंद हैं, ठीक। और जैसे ये बनारस है, इसको वनारस बोलते हैं, वनारस नहीं है। वो को वो ही बोलना है, वो को वो ही बोलना है। देखिए, अब मैं आपको रीड करना सिखाती हूँ। जहाँ पर पूर्ण विराम होता है वहाँ पर हम रुकेंगे, और ज़्यादा देर के लिए जहाँ पर अल्प विराम होता है, जैसे प्रेमा श्रम है, रंग भूमि है, कायाकल्प है, निर्मला है, गवन है, कर्म भूमि है, इस पर कौमा है, तो इसमें थोड़ी थोड़ी देर के लिए रुकेंगे। चलिए शुरू करते हैं। प्रेमचंद का जन्म सन 1880 में बनारस के लमही गांव में हुआ था। उनका मूल नाम धनपत राय था। प्रेमचंद का बचपन अभावों में बीता और शिक्षा बीए तक ही हो पाई। उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी की, परंतु असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और लेखन कार्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हो गई। सन 1936 में इस महान कथाकार का देहांत हो गया। यहाँ तक हमने पढ़ा, और कोई भी अशुद्धि आपको नहीं मिलेगी जहाँ तक मेरा विचार है। अब आगे लिए चलती हूँ आपको। प्रेमचंद की कहानियाँ मानसरोवर के 8 भागों में संकलित हैं। सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान उनके प्रमुख उपन्यास हैं। उन्होंने हंस, जागरण, माधुरी आदि पत्रिकाओं का संपादन भी किया। कथा साहित्य के अतिरिक्त प्रेमचंद ने निबंध एवं अन्य प्रकार की गद्य लेखन भी प्रचुर मात्रा में किया। प्रेमचंद साहित्य को सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम मानते थे। उन्होंने जिस गांव और शहर के परिवेश को देखा और जिया, उसकी अभिव्यक्ति अब कथा साहित्य में मिलती है। यहाँ है अभिव्यक्ति, ठीक है, ये व्यक्ति नहीं है, वो नहीं है, ये वो है, अभिव्यक्ति, ठीक। अब आगे मैं आपको लिए चलती हूँ, और यहाँ तक जहाँ तक मैंने पढ़ा शायद ही आपको कोई अशुद्धि मिल पाई हो, ठीक। अब आगे पढ़ते हैं। कथा साहित्य के अतिरिक्त प्रेमचंद ने निबंध एवं अन्य प्रकार का गद्य लेखन भी प्रचुर मात्रा में किया। प्रेमचंद साहित्य को सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम मानते थे। उन्होंने जिस गांव और शहर के परिवेश को देखा और जिया, उसकी अभिव्यक्ति उनके कथा साहित्य में मिलती है। किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति, दलितों का शोषण, समाज में स्त्री की दुर्दशा और स्वाधीनता आंदोलन आदि उनकी रचनाओं के मूल विषय हैं। प्रेमचंद के कथा साहित्य का संसार बहुत व्यापक है। उनमें मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षियों को भी अद्भुत आत्मीयता मिली है। बड़ी से बड़ी बात को सरल भाषा में सीधे और संक्षेप में कहना प्रेमचंद के लेखन का प्रमुख ये दूसरा पेज ओपन हो रहा है। प्रमुख विशेषता ये यहाँ पर विशेषता है उनकी भाषा। अब एक चीज आ रही है यहाँ पर, भाषा, ये वाला श नहीं है, ठीक है, ये वाला श होता है, ये पहला श, दूसरा श और तीसरा श, यानी तालव्य श, ठीक, तालु से जीभ का स्पर्श, मूर्धन्य श,
भाषा मूर्धन्य जगह से इश का उच्चारण और दंती सौ दांतु के नीचे जब जीव स्पर्श होती है तो इसका उच्चारण। ठीक, अब आगे मैं आपको लिए चलती हूँ। उनकी भाषा सरल सजीव एवं मुहावरेदार है और तथा उन्होंने अरबी फारसी और अंग्रेजी के प्रचलित शब्दों का कुशलतापूर्वक प्रयोग किया है। ठीक है, कुछ शब्दों का प्रयोग कुशलतापूर्वक किया है। अब आगे आती है प्रेमचंद्र की कथा साहित्य का जो है एक महत्वपूर्ण पड़ाव, जब उन्होंने दो बैलों की कथा लिखी। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। दो बैलों की कथा मैं आपको पढ़ करके सुनाती हूँ यहाँ तक। ठीक है, अब यहाँ से लेकर के कितनी अशुद्धियाँ होती हैं उसको भी बताती हूँ। ये बैलों है, ये बैलों नहीं है। ठीक है, ये मैं अगर ये बिंद लगता है तो इसका उच्चारण भी होता है बैलों। दो बैलों की कथा के माध्यम से प्रेमचंद ने कृषक कृषक ये कृषक नहीं है कृषक नहीं है ये कृषक है कृषक समाज और पशुओं के भावात्मक संबंध का वर्णन किया है। इस कहानी में उन्होंने यह भी बताया है कि स्वतंत्रता सहज में नहीं मिलती, उसके लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है। इस प्रकार परोक्ष रूप से यह कहानी आज़ादी के आंदोलन की भावना से जुड़ी है। इसके साथ ही इस कहानी में प्रेमचंद ने पंचतंत्र और हितोपदेश की कथा परंपरा का उपयोग और विकास किया है। ठीक, अब मैंने यहाँ से आपको पहले से पढ़ा लेकिन यहाँ तक पढ़ा, इसमें अशुद्धियाँ क्या क्या होती हैं ये भी बताया। ठीक है, कहाँ पर रुकते हैं ये भी बताया। अब मैं आपको धारा प्रवाह बिल्कुल अब मैं बताऊंगी कुछ नहीं। ठीक है, आप सोचना कि मैंने कहाँ पर जो है पूरी तन्मयता के साथ और पूरा शुद्ध उच्चारण करते हुए धारा प्रवाह, जिसको धारा प्रवाह कहते हैं, वो पढ़ा मैंने। शुरू करते हैं। दो बैलों की कथा के माध्यम से प्रेमचंद ने कृषक समाज और पशुओं के भावात्मक संबंध का वर्णन किया है। इस कहानी में उन्होंने यह भी बताया है कि स्वतंत्रता सहज में नहीं मिलती, उसके लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है। इस प्रकार परोक्ष रूप से यह कहानी आज़ादी के आंदोलन की भावना से जुड़ी हुई है। इसके साथ ही इस कहानी में प्रेमचंद ने पंचतंत्र और हितोपदेश की कथा परंपरा का उपयोग और विकास किया है। ठीक, प्यारे विद्यार्थियों, आपकी डिमांड थी कि हम जो है धारा प्रवाह कैसे बोलें। धारा प्रवाह बोलने के लिए सबसे पहले हम अपनी अशुद्धियां दूर करें। वो अशुद्धियां अधिकतर होती है बौ के साथ, जिसको हम वो पढ़ देते हैं। ठीक है, इस बौ के साथ होती है और अशुद्धियाँ होती हैं इस शौ में। ठीक है, तीनों शौ में। ठीक है, इसका शौ उच्चारण शौ। ठीक है, और इसका सौ। अब जीभ भी बता देती हूँ मैं आपको, इसके लिए मैंने बहुत अच्छा वीडियो दिया है, आपको टाइम हो तो उसको भी देखिएगा। अब शौ, ठीक है, दांतु के बीच से आवाज़ आती है। ठीक है, शौ, थोड़ा सा जीभ आगे को जाती है और ऊपर वाले जबड़े में जो खुरदुरा स्थान होता है इसके पीछे जो गहरा तालू होता है, यहाँ से जीभ जाती है, इस तालू को टच करती है तो शौ की आवाज़ आती है। शौ, कृषक, धनुष। ठीक है, जब दांतों के नीचे, ऊपर वाले दांतों के नीचे हमारी जीभ लगती है तो तब इसका सौ का उच्चारण होता है। ये हो गया शौ, शौ और सौ आ गया। प्यारे विद्यार्थियों, आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट कीजिएगा और धारा प्रवाह ऐसे ही पढ़ने की प्रैक्टिस कीजिएगा। अपना ध्यान दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।